नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आए न्यू हॉलैंड 4710, जो कि एक एक्सल सीरीज का ट्रैक्टर है और यहाँ 47 HP का ट्रैक्टर है। उसमें भी ये इसका फोर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है और इसमें आपको टू व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। और ये अपने HP कैटेगरी में काफ़ी सर्वाधिक फीचर्स के साथ में आता है, तो इन्हीं सभी फीचर्स का आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। चलिए जल्दी से आपको ट्रैक्टर का प्रो लुक्स दिखा देते हैं। सामने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर आपको 4 लाइट देखने को मिल जाएगा। इसमें से 2 हेडलैम्प है और यहाँ ये वाला जो लाइट है इसकी मदद से आप कॉर्नर में भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। और ये रहा ट्रैक्टर का लेफ्ट साइड का फुल व्यू, और राइट साइड से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और यहाँ से आप पूरा इसके रियर लुक को देख सकते हैं। और इसमें आपको सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाएगा और इसमें एयर सर्कुलेशन के जो ग्रिल है इसको ऊपर में भी अलग से दिया हुआ है। और इसको बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको लैच मिल जाएगा, जिसकी मदद से इसको आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के लिए सिंगल गैस रॉड यहाँ पर मिल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें एको कंपनी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है और इसमें आपको बॉश का इनर फ्यूल पंप मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। और इसको और भी मेंटेनेंस फ्री बनाए रखने के लिए इसमें न्यू हॉलैंड ने अलग से वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। क्या कभी कभी अगर डीजल में पानी बन जाता है तो उस कंडीशन में पानी यह पंप तक चले जाता है, तो पंप में पानी जाने की वजह से ही ये जो पंप है अधिकतर खराब होते हैं, तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपको ये मिल जाएगा। और इवेको कंपनी इंजन बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है और बहुत से ट्रैक्टर मॉडल्स में आपको इवेको के ही इंजन देखने को मिलेगा। और इस इंजन की यह खासियत है कि यह इंजन बड़े आसानी से 30,000 या 35,000 घंटे तक चल सकता है। अगर आप समय समय पर सर्विस कराते रहें तो इससे भी अधिक टाइम तक ये जो इंजन है आसानी से चल पाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका इंजन कितना भरोसेमंद और रिलायबल है। चलिए बात करते हैं इसके पावर फिगर। तो यह ट्रैक्टर 47 HP का पावर 2250 जनरेटेड RPM पर और लगभग 190 Nm के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस ट्रैक्टर से आप बड़े आसानी से 11 टिन के कल्टीवेटर को चला सकते हैं। और आपको हमेशा जब भी कल्टीवेटर चला रहे हो उस कंडीशन में फोर व्हील को इंगेज करके ही चलाना चाहिए। और अगर इसके फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें 9524 के फ्रंट टायर मिल जाएंगे। और इसका जो फ्रंट एक्सल है यह बिसाइक्लिक टाइप का दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फोर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में हमेशा आपको फ्रंट पे लोड रखना चाहिए और इसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कंपनी की तरफ से लोड मिल जाता है। और इसमें टो पॉइंट भी दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको लेबल प्लेट मिल जाएगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, मॉडल नंबर, PTO पावर, SFC, ये सभी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। और न्यू हॉलैंड के जो ट्रैक्टर होते हैं काफ़ी फ्यूल इफिशियंट होते हैं, इसमें डीजल खपत बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको 198 ग्राम पर HP आवर में SFC देखने को मिल जाता है। और यह ट्रैक्टर ढुलाई जैसे कामों को करते समय 2.5 लीटर तक का डीजल ही लेते हैं और इसको जुताई करते समय 3.5 लीटर तक के डीजल में काफ़ी आसानी से जुताई कर सकते हो। चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुना देते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेंगे। भी धुआं नहीं छोड़ रहा है और ये इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ऐसे देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छा कटिंग देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर का जो टर्निंग रेट ऐसा है ये भी काफ़ी कम दिया हुआ है। चलिए इसे आगे पीछे करके देख लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे चलते हुए ट्रैक्टर में ही आप इसके फॉरवर्ड और रिवर्स गियर में लगा सकते हैं, तो काफ़ी स्मूथ इसमें सटर शिफ्ट लीवर मिल जाता है और इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी गजब का है। चलिए इसे बंद कर लेते हैं। और किसान भाइयों, आपका थोड़ा सा समय लेकर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमने ट्रैक्टर कंपैरिजन के लिए अजाट ट्रैक्टर नाम से नया चैनल बनाया हुआ है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा, तो आप यहां पर जाकर किसी भी ट्रैक्टर का कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंपैरिजन वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 62 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर और 1 वाटर सेपरेटर के साथ में। बात करें इसके पीटो का, तो इसमें 42.5 HP का 6 स्प्लैंड PTO मिल जाएगा, जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड, 540 इकोनॉमी और मल्टी सीट पीटो के साथ में। इसका मतलब इसमें आपको 7 प्रकार के पीटो स्पीड मिल जाता है। और मल्टी सीट पीटो होने की वजह से इस ट्रैक्टर को आप जनरेटर, वाटर पंप जैसे हल्के इम्प्लीमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट होल्डिगर इस प्रकार के हैवी इम्प्लीमेंट के लिए भी इसे मल्टी स्पीड पीटीओ में कम गियर में लगाकर आसानी से उपयोग कर पाएंगे। तो इसमें पीटीओ स्पीड भी काफी अच्छा खासा दिया हुआ है और इस पीटीओ की मदद से 6 फीट तक के रोटावेटर को भी चला सकते हैं और
5 से 7 फैन वाले थ्रेसर को भी इसमें आप आसानी से चला पाएंगे। और अगर इसके रियर एक्सल को देखें तो इसमें इपीसाइक्लिक रिडक्शन के साथ में रियर एक्सल दिया हुआ है, मतलब इस ट्रैक्टर में फ्रंट और रियर दोनों जगह पर इपीसाइक्लिक एक्सल मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और आप किसी ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जानते हो जो कि ESHP कैटेगरी में जो दोनों एक्सल है उसको इपीसाइक्लिक के साथ में देता हो, तो हमें उस ट्रैक्टर का नाम जरूर बताएं। और इसमें कंपनी फिटेड सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व मिल जाएगा जो कि QRC कपलर के साथ में आता है। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। और इसके ये थिकनेस को आप देख पा रहे होंगे, और इसमें कुछ इस प्रकार से स्टेबलाइजर दिया हुआ है। और इसमें 3-point सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर इतने सारे होल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप इसमें हाइट एडजस्टेबल हिचिंग पॉइंट लगा पाएंगे। और इस ट्रैक्टर में आपको स्टैंडर्ड 6 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसको लेने के बाद आपको पहला सर्विसिंग 50 घंटे के बाद में कराना होगा, उसके बाद प्रत्येक 250 घंटे के बाद में सर्विस कराना होता है। और न्यू हॉलैंड कंपनी की तरफ से आपको 2400 घंटे तक का फ्री सर्विस दिया जाएगा। बात करें इसके स्टेयरिंग का, तो इसमें सेपरेट ऑयल टैंक के साथ में सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा। और स्टेयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल टैंक देने से यह फायदा हो जाता है कि ये जो पाइपलाइन है इसमें जल्दी से डस्ट पार्टिकल्स नहीं आते हैं, जिस वजह से आपको जो स्टेयरिंग का परफॉर्मेंस है आपको लंबे समय तक नया का नया जैसा देखने को मिलते रहता है। और आप में से जिन भी किसान भाइयों के पास ये वाला ट्रैक्टर है या फिर न्यू हॉलैंड का कोई भी ट्रैक्टर हो, तो आप उस ट्रैक्टर के हिसाब से समझ सकते हैं कि इसका जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है कितना स्मूथ होता है। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार से सिंगल फुट स्टेप मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको हीट गार्ड के लिए अलग से मेटल का दिया हुआ है, और इस साइड में आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। तो चलिए ऊपर चढ़कर देखते हैं। यहाँ से आप इसके पूरे स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, प्लेटफॉर्म और ये फेंडर के लुक को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। और ये जो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर होते हैं, खासकर इसके एक्सल सीरीज के ट्रैक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं। वैसे भी ये न्यू हॉलैंड का प्रीमियम सेगमेंट का ट्रैक्टर है। और जैसे कि आप इसके ये प्लेटफॉर्म को भी देख पा रहे होंगे, इसमें हल्का सा बम्प निकला हुआ है, इसके बाद भी ये काफ़ी आरामदायक है। और इसमें पुश टाइप के पैडल्स मिल जाएंगे। अगर इसके क्लच को देखा तो इसमें आपको डबल क्लच मिल जाता है, मतलब इस वाले क्लच से आपको केवल गियर बॉक्स के लिए काम होगा, और इसके PTO के लिए आपको अलग से इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर में आपको क्लच लॉक देखने को मिल जाता है, मतलब फसल का सीजन खत्म होने के बाद जब आप ट्रैक्टर को लंबे समय के लिए खड़ा रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में कभी कभी क्या है जो क्लच है वो चिपक जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसे प्रेस करके इसकी मदद से इसको लॉक कर सकते हैं। और इस लीवर की मदद से आप इसके फुल ड्राइव को इंगेज और डिसइंगेज कर पाएंगे, और यहाँ पर ये PT लीवर मिल जाता है। इसको सामने की ओर करने पर यह 540 स्टैंडर्ड के रूप में काम करेगा, और इसे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो 540 इकोनॉमी के रूप में, और इसे सबसे पीछे की ओर ले जाएंगे तो यह मल्टी सीट PTO के रूप में एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब स्पीड लीवर की मदद से आप इसके PTO के रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रहा इसका मीटर कंसोल, इसमें एनालॉग प्रकार में मीटर कंसोल मिल जाएगा। यहाँ पर ये लाइट्स के स्विच, और ये पार्किंग लाइट्स के लिए टर्न इंडिकेटर्स, हेडलाइट का स्विच, ऑन का बटन, यहाँ पर इग्निशन की मिल जाएगा, और ये इंजन स्टॉप करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। और ये रहा हैंड थ्रॉटल लीवर। बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें 1, 2, 3, 4 और हाई लो के साथ 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर मिल जाता है। इसमें 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर आपको ये सिंक्रो शटल शिफ्ट की मदद से मिल पाता है, मतलब इस ट्रैक्टर में आप जिस गियर और जितने स्पीड में आगे की ओर जाते रहेंगे उसी गियर और लगभग उतने स्पीड में ही पीछे भी आ पाएंगे। और ये जो सिंक्रो शटल शिफ्ट लीवर है, अगर ट्रैक्टर सामने की ओर चलते रहेगा तब भी बिना रोके हुए इसे आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं। और इसमें जो गियर बॉक्स है ये तो कॉन्स्टेंट मेश टाइप का यूज़ किया गया है, उसके बाद भी ये काफ़ी स्मूथ लगते हैं। और आप इन लीवर्स के लोकेशन को देख सकते हैं, बिल्कुल आपके पहुंच में मिल जाएगा। और यहीं राइट साइड में देखें तो पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों लीवर मिल जाता है, और यहाँ पर लिफ्टोमेटिक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आप यहीं से ही अपने इम्प्लीमेंट को आसानी से उठा और नीचे रख पाएंगे। और आप एक बार इन लीवर्स की मदद से इम्प्लीमेंट को अपने ज़रूरत के हिसाब से गहराई पर सेट कर ले, उसके बाद आप ये लिफ्टोमेटिक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिफ्टोमेटिक मुझे काफ़ी पसंद आता है, और ये ब्रेक लॉक मिल जाएगा। और ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद कुछ इतना व्यू मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में आपको लगभग 32.5 किलोमीटर पर आवर का फॉरवर्ड और 34.5 किलोमीटर पर आवर का रिवर्स स्पीड मिल जाता है, मतलब यह ट्रैक्टर जितने स्पीड से आगे जा सकता है उतना या उससे भी थोड़ा अधिक बोल सकते हैं उस स्पीड से रिवर्स भी आ पाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर आप में से किन्हीं के पास ये वाला ट्रैक्टर पहले से है, तो आप हमारे साथ इस ट्रैक्टर से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाइयों को इससे सहायता मिल सके। और कोई ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जानते हो जो ESHP में भी आपको शटल शिफ्ट लीवर देता है, तो उस ट्रैक्टर का नाम हमें ज़रूर बताएं। और जो ड्राइवर सीट है काफ़ी कंफर्टेबल दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपको पकड़ कर रखता है, और इसका जो बैक सपोर्ट है ये भी
ऊंचे साइड में दिया गया है और इसको भी आप इसकी मदद से आगे पीछे कर पाएंगे और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक का सुविधा भी मिल जाता है। चलिए इसके डायमेंशंस को आपको बता देते हैं। इसका टोटल लेंथ 34 mm का दिया हुआ है और इसमें आपको 2005 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। इसके अलावा 1750 mm का विड्थ दिया हुआ है और इस ट्रैक्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 370 mm का मिल जाएगा और ट्रैक्टर का टोटल वेट 2250 kg का दिया हुआ है और ट्रैक्टर में जितना अधिक वेट होता है उतना ही अच्छा बात होता है क्योंकि उससे ये जो टायर है वो कम स्लिपेज करते हैं जिससे टायर भी कम घिसेंगे और आपको पावर आउटपुट अच्छा मिल पाता है जिससे ओवरऑल आपको डीजल का बचत होता है। और राइट साइड में आपको फाइबर का टूल बॉक्स मिल जाएगा और ये रहा इसका स्टार्टर मोटर और इसका बैटरी सामने में रखा गया है जो कि एक वेट के रूप में भी काम करता है। इसमें आपको अल्टरनेटर यहाँ पर मिल जाता है जो कि बेल्ट के प्रोटेक्शन के साथ में मिल जाएगा और इसका जो साइलेंसर है काफ़ी स्लिम ट्रिम डिज़ाइन किया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जो मफलर है आपको अंदर में मिल जाता है। और ये रहा इंजन ऑयल फिल्टर। और ये न्यू हॉलैंड का जो डिज़ाइन है ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो पर्सनली ये वाला जो डिज़ाइन है अच्छा लगता है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर का फीचर्स भी काफ़ी पसंद आता है। और इसके एयर फिल्टर को देखा तो इसमें ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको प्री क्लीनर भी मिल जाता है और यहाँ पर आप छोटा सा ये रेडिएटर देख पा रहे होंगे, ये इसके स्टीयरिंग ऑयल कूलर के लिए है और इसमें आपको काफ़ी चौड़े साइज में रेडिएटर मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो ब्लेड है ये सब मेटल के दिए हुए हैं और यहाँ पर भी फिंगर प्रोटेक्शन के लिए ये अलग से नेट लगाया गया है। इसमें हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग के लिए आपको सेपरेट सेपरेट पंप देखने को मिल जाएगा और इस प्रकार का जो पंप होता है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा मान लो कभी कोई एक पंप खराब हो गया तो आपको ये पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं होता है, केवल आप छोटा सा जो भी पोर्शन खराब हो उसे चेंज कर सकते हैं तो यह मेंटेनेंस फ्री भी हो जाता है। और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक के लिए ये आया हुआ पाइपलाइन जो कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से होकर यहाँ गुजरता है और ये नीचे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रंट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसको कुछ इस तरह से लाया गया है और यहाँ से आप पूरा इसके नीचे के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो इतना कुछ देखने को मिलता है आपको न्यू हॉलैंड 4710XL में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड और कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।